डैड 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 मेरा कन्या दान करा दो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो शिनचान? अगर वो नहीं तो मुझे एक नई बाइक चाहिए, वो देखिए। ये एक सुपर बाइक है जो 0 से 60 की स्पीड तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक माना जाता है, जो अपनी बनावट के कारण लोगों को काफी पसंद आती है। तुम्हारा कन्यादान ही करा देते हैं शिनचान। तो कैसे हैं आप लोग? ये दुनिया बौखला गई है, मेरे से नहीं हो रहा यार। और कोई मुझे मिशन मंगल लेके चलो, मैं वहीं पसावट कर लूंगा। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। कैरी, मेरे मामा के रॉकेट की फैक्ट्री है, हम ले जाएंगे तुझे मंगल। गैराज में तुम्हें जो आइटम दिखाने जा रहा हूँ उन्हें देख के तुम भी बोलोगे। तो मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले। तो आओ यार, अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम चिल्लाओ एक्शन कमिंग, और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मुझे सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है, चमड़ा कहाँ है? ये है दुनिया का सबसे पतला पंखा। जब गांव में लाइट जाती है तो ये ऐसे ऐसे करके ठंडी हवा देता है। की कहानी का है लोटा सिंबॉलिक हो रहा है। इस देश में एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ पंचर जमीन। कितने हरामी रहते हैं यार दोस्त, इसको बोल दिया होगा भाई ऐसे बाल कर ले, फक बॉय बन जाएगा तू। अरे अंकल, इतनी तेज ठुमके मार रहे हो घर गिर जाएंगे। इनका कलाकार 40 साल की उम्र में बाहर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, लोग पहले से ही ऐसे थे, बस अब एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर अंकल का ये प्रदर्शन आंटी ने पकड़ लिया ना, तो वो तो बोलेंगी मुझे पता ही था। जीत की गोली पे चटका हुआ बुढ़ाऊ। ये भाई दोस्त है जो कहता मुझे नशे नहीं होते, और फिर आधे घंटे बाद कितनी बार कहा सत्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। मैं आज आप लोगों को एक गाना गा के सुनाऊंगा। हो मुझे लाज लग रहा है। अब बुरी थूत के ब्लैक पैंथर, क्या खुजली है तू? आय हाय, लज्जा आ रही है, मुझे इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हुल्ली हुलेरी हुल्ला, तेरी मेरी कहानी। तुम ये देख रहे हो बकवास। हेडफोन ऐसे होने चाहिए, कान पे डाल के गाने सुन लिए और जब मन किया उसमें चाय डाल के पी ली। जुगाड़ हमारे शरीर में दौड़ता है, चाय के बर्तनों में रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है। अभी थोड़ा वक्त और रुक जाओ, हिमेश भैया के साथ इसका भी गाना आएगा। गुलाबी कपड़ों में बैठी लोमड़ी अपनी अदा दिखा रही है, लेकिन पैरों के बीच में जो गुत्थी बन रही है ना, चूतिया मत बनाओ लोगों को। सर के पीछे इमोजी ही बना दी। ऐसे लौंडे ना बहुत उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाले को अगर ये शक्ल पसंद नहीं आ रही तो ये जरूर आएगी, किसी को तो आएगी, कोई तो मिलेगा, कोई तो प्यार करेगा। जी लंड मेरा, पूरी जिंदगी अकेले हिलाते रह जाओगे। चलो कम से कम दिल तो नहीं बनवाया। किसी के प्यारे प्यारे बालखो तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। ओ भैया धोखा, इसलिए कहते बिना लड़की देखे शादी मत किया करो। सुहागरात के दिन पता चल रहा है आज लक्ष्मी नहीं लक्ष्मण झूला झुलाएगा। अब पता है बचपन में मैं सोचता था कि फ्यूचर में ना उड़ती हुई गाड़ियां होंगी, होलोग्राफिक गैजेट्स होंगे, और 10 साल बाद ये देखने को मिलता है। बकचोदी की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसी खौफनाक टेक्नोलॉजी देखकर अंबानी परिवार सो नहीं पा रहा है।
क्या देखो भैंसोत, रेडियो एक्टिव मधुमक्खा जो मेंढक की आवाज निकालता है। ऐसे जीव जंतु परंतु सिर्फ यही मिलते हैं। साले यहाँ के तो एलियन भी गरीब है। कैमरा होचे घर पे बोल दिया काम करने जा रहे हैं और यहाँ बैठ के बाढ़ में लूटो चल रहा है। इनके मुंह पे कोई 7 तोपों की सलामी फेंक के मारो, इन्होंने साबित कर दिया है शौक बड़ी चीज है। मैंने कहा था ना दुनिया बौखला गई है, तब तो इतना सोचा नहीं होगा तुमने, क्योंकि कैरी तो मजाक किया है, मजाक करता है वो। हवा का इतना शानदार आदान प्रदान है, सोचो तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए कोई ऐसे गुब्बारे फुला रहा है। मैं तो कभी इससे गुब्बारे ना फुलवाऊं, क्योंकि मैं किसी की गांड के भरोसे नहीं बैठता। बस यार बस हो गया आज का, मेरा बकचोदी मीटर 104 के ऊपर जा रहा है। अब बकचोदी का पेड़ लगाना है। बाय मोहित, चल तेरी दाढ़ी बनवाऊं, साले कतई डड्डल हो रहा है। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझ तारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं। आई लव यू।